सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको रमजान मुबारक। फिर मैंने सोचा कि यार कुछ दिन तो रह गए, उसके बाद तो मैंने प्रॉपर परहेज पे आ जाना है, तो आज मैं सही स्ट्रीट फूड एंजॉय करके आती हूँ। और वो भी ऐसे कि जब आप निकलो तो जो आपको रेडी जहाँ पे पसंद आए वही खा लो। और ये मूसा साहब अपने अब्बा से खिदमतें करवा रहे हैं। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह हम इतने अच्छे बच्चे बन गए, अब हम बिल्कुल नहीं तंग करते होते। और ये जो बैकग्राउंड में हल्की हल्की आवाजें आ रही है ना, ये भी माशाल्लाह इसी की है, क्योंकि फुफो इज ऑन ड्यूटी। तो खैर एनीवेज, अगले दिन जो मैंने कबाब बना के रखे थे तो मैंने सोचा कि आज उसका सालन बना के खिला दूं सबको। किचन में जाने के लिए ना बस एक हिम्मत चाहिए होती है, और यहाँ पे स्पेशली जब मुझे पता है कि इतने सारे लोग हैं और काम तो हो ही जाना है, तो फिर तो मेरा बिल्कुल नहीं दिल करता। एंड फॉर दोज हु नो मी, उनको पता है कितनी शुगर बंदी हूँ मैं, आई एम सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। तो मुझे एक जनरल चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था, और वहाँ पे मैं बैठ गई गलती से ये बच्चों वाले एरिया में। तब मुझे पता लगा यार ये तो पागल कर देते होते हैं, खेल खेल के कूद कूद के। आजकल मैं इतना ज्यादा जंक फूड खा रही हूँ, चलो खैर कोई बात नहीं। और पापड़ी छोले तो मुझे वैसे ही बहुत ज्यादा पसंद है। और जहाँ तक जंक फूड की बात है ना, ये मैंने अभी आके खाना स्टार्ट किया, वरना फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं अपनी डाइट का इतना ज्यादा ख्याल रखती थी, फ्रूट्स एंड जूसेस एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ तक कि मैं इतनी कॉन्शियस थी, मैंने अपनी शादी से एक साल पहले सारे कैल्शियम और वाइटामिन सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से आई फील लाइक कि मैं काफी एक्टिव भी रही हूँ और मुझे कोई कमजोरियां भी नहीं हुई। और ये शाम को फुल ऑन जोरों शोरों पे अफतारी की तैयारियां चल रही थी, सब अपने अपने हिस्से के काम खत्म कर रहे थे, वाइन की ड्यूटी लगी हुई थी कि इन्होंने इसको लेके बैठना है। अब्बा जी भी अपना काम कर रहे हैं, और मुझे रोजे के बाद अपनी ज्यादा सुस्ती हुई पड़ी है। मेरी अम्मी और भाभी ने जो है ना चटनी फ्रीज करके रखी हुई है, और मैं कभी ऐसी वीडियोस देखती थी ना तो मैं सोचती थी यार किसके पास इतना टाइम होता है, कौन करता है ऐसे काम। अब मैं इनके क्यूब्स बने हुए देख के हैरान, मैंने कहा गुड़िया ये लोग है। ये देख लें अब्बा जी ड्यूटी। और माशाल्लाह ना अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा मौसम हुआ है कि आज पूरा दिन रोजे का पता ही नहीं लगा, और हम दुआएं मांग रहे थे कितना मजा आए, मतलब सारा रमजान ऐसा मौसम रहे। अल्लाह पाक हम सबको सारे रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी इबादत कबूल फरमाए, और हम सबकी नेक दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जब पहला रोजा होता है तो थोड़ा थोड़ा करते हुए भी इतना सारा इंतजाम हो जाता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो सब रमजान की बरकतें हैं। और रोजा खोलने के बाद जो नींद आती है उफ तौबा, और अब मेरी ना बिल्कुल बैस हुई पड़ी है। ऑल्सो आई होप एवरीवन इज फाइन आफ्टर द अर्थक्वेक। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।